मेजा जी, आपका हमारे सीनियर सिटीजन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अरे आओ आओ, हम तो कई बार ही बुलाया आपको, आप आते ही नहीं। अब से आया करूंगा। बैठो बैठो, आप आए बाहर आई। यार गंदगी बहुत है, कहीं और बैठते हैं। नेजा, इस पार्क के हर कोने में जहां भी जाओगे बदबू आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं। बच्चों, यहाँ पेशाब क्यों कर रहे हो? तो कहाँ करें आंटी? वहाँ करो ना, टॉयलेट में। क्यों आंटी, आपका पार्क है क्या? पार्क तो सबका है ना। अरे आओ आंटी, दिमाग मत खराब करो। ओ हेलो मैडम, सही तो कह रही है, वहाँ पे है ना टॉयलेट, तो वहाँ जाया करो ना। हेलो, एक और आगे प्रवचन देने। तुम्हें पता है तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से कितने कम टूरिस्ट अब हमारे देश आते हैं? इनको क्या ही फर्क पड़ता है? लगता है आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। अंग्रेज टूरिस्ट बनकर ही इंडिया आए थे, पर 200 साल राज करके गए। हमें ज्यादा ज्ञान मत दो अंकल। रोहन, लेट इट बी, दे कैन अंडरस्टैंड। आप सही कह रही हो, ये कुछ नहीं समझेंगे। एक बात बताओ, अपने घर में भी तुम लोग इस तरह गंदगी करते हो? अंकल ज्यादा बोलने का नहीं है, हमारे घर पे एक कदम पे टॉयलेट है। और हम सब तो है ही आलसी, जब तक टॉयलेट हमारे पास नहीं आएगा हम तो यहीं करेंगे। जाओ जाओ अंकल, चलते बनो। हमें कुछ करना चाहिए। तनेजा क्या करोगे, बच्चों का बिहेव देखा तुमने। सरकार भी इस मामले में कुछ नहीं करती है जी। सरकार ने तो बहुत टॉयलेट बनवाए हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम तो बंद ही रहते हैं। आप ठीक कह रहे हो चोपड़ा जी, अभी पिछले हफ्ते ही ना मुझे इमरजेंसी लगी तो टॉयलेट पे ताला था। अरे मैं भाग के पास वाले पेट्रोल पंप पे गया। हमारे मार्केट में भी एक टॉयलेट है, जब भी जाओ पेशाब से भरा रहता है, ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते, पैर गंदे हो जाते हैं, इतनी बदबू मारता है जी मचलाने लगता है। तनेजा आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम आपके साथ हैं, बताओ क्या करना है। सोचना पड़ेगा, मैं भी 60 साल का हो गया हूँ, सोचता हूँ कुछ सोशल काम करूँ। मेरी मानो तो एक रोबोट लाते हैं, वो सब की पोटियाँ और सूसू साफ करेगा। रोबोट की वजह से मुझे एक आइडिया आया है। आइडिया अच्छा है, पर कुछ होने वाला नहीं। बंसल जी कुछ तो करना पड़ेगा, आपको एक लोकेशन शेयर करते हैं, वहाँ पर मिलते हैं, डिस्कस कर लेंगे। तनेजा साहब ये सब क्या उठा लाए? ये पिछले साल घर की रेनोवेशन करी थी तो फर्नीचर निकला था, खिड़की और उसका, मैंने कहा ले आते हैं देख लेते हैं क्या क्या हमारे यूज आता है। गुड, वेरी गुड, लेकिन कुछ लोहा और वेल्डिंग मशीन भी ले आते। बंसल जी पहले घर का सामान है, इसी पे देख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे। वैसे इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारा सामान पड़ा है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप करिए, मैं एक मिनट में आया। क्या लाए हो? ये इसके लिए पर्दा लाया हूं। अरे नहीं तनेजा साहब, ये नहीं चलेगा, सुरजीत जी बाहर मार्केट में मंगाता हूं कुछ। चलो सही है। सुरजीत जी भी आ गए। चलो चाय पीते हैं। छोटो चाय लाना। वाह क्या बात है, बिस्कुट भी साथ। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। अब इन सब बातों को छोड़ो, जो होगा देखेंगे। हमारा मकसद अवेयरनेस करना है,
कामयाब होंगे, जरूर होंगे। चाय पे चेस। और मिशन अवेयरनेस। अरे भाई, इसको हम ढक क्यों रहे हैं, और वो भी काले कपड़े से? इसको किसी की नजर नहीं लगेगी। अब तो ये कल जनता के सामने ही खुलेगा। ये क्या है? उठाओ बोतल, भगवान डस्टबिन में फेंको। अरे ये क्या बेटा? अरे यार ठीक से फेंको, अंदर डालो उसको। सुनो, सॉरी सर, ये क्या था? ऐसे बिहेव करते हो तुम? तुम्हारे दादाजी की उम्र के हैं वो, ऐसे बिहेव करोगे? रुको यार, माफी मांगो इनसे, माफी मांगो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। पकड़ो इसे और डस्टबिन में रखो। ओके, इधर आओ। तुम्हारे का दादाजी होते, तुम इस तरह से बिहेव करते हो? सर वो मेरे, आई एम रियली सॉरी सर, मेरे पिताजी नहीं रहे तो इसने दादाजी को देखे नहीं। आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए। ओके ओके, कोई बात, कोई नहीं, चलो। ये चलता फिरता यूरिनल है, ये उन लोगों के लिए है जो टॉयलेट में ना जा करके दीवारों पे पेशाब करते हैं। क्या इसके लिए आपको सरकार से पैसा मिलता है? अरे नहीं, ये तो सिर्फ सोशल अवेयरनेस के लिए है। आपको लगता है आप सक्सेसफुल हो पाएंगे? मैडम कोशिश तो करनी चाहिए ना, हो जाएंगे। सर बाय द वे, ये काम कैसे करता है? बेटे वो पानी की बोतल देना। यूरिन पाइप के थ्रू कंटेनर में जाता है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। अंकल, क्या आप दूसरों का गंद उठा पाओगे? बेटे जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो उनका मलमूत्र कौन साफ करता है? वो तो हमारी मजबूरी है और ड्यूटी भी। तो हमारी सिटी को, हमारे देश को साफ रखना भी हमारी ड्यूटी है, वो भी हमारी एक जिम्मेवारी है। अंकल बहुत हिम्मत का काम है, बस इस हिम्मत को मत हारना। अंकल मैं आपके इस एफर्ट को सैल्यूट करती हूँ, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। अगर आपके मिशन कामयाब होगा तो हमारे देश का कितना फायदा होगा इसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, टूरिज्म बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, गंदगी घटेगी तो बीमारी भी तो घटेगी ना। यहाँ के लोगों की सोच चेंज करना आसान नहीं है, जगह जगह कुत्तों की पॉटी पड़ी है। सरकार को इस पे कुछ नियम बनाने चाहिए। सरकार के साथ साथ आदमी को भी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। सही कहा। अंकल अगर मैं इंडिया में रहा तो मैं आपका ये ग्रुप जरूर ज्वाइन करूंगा। थैंक यू। ओए वो देख, ये क्या है अंकल? चलता फिरता टॉयलेट। वाह मजा आ गया, मतलब अब दीवार से छुट्टी। अंकल बिजनेस तो काफी अच्छा चलाया आपने। कमाई तो बहुत होती होगी। ये बिजनेस नहीं है, पार्क को गंद मुक्त बनाने के लिए फ्री सेवा है। बिल्कुल फ्री? बिल्कुल फ्री। अरे अंकल कहीं इसके अंदर कैमरा वगैरह तो फिट नहीं है ना? अरे गवर्नमेंट से एड मिलती होगी, अदरवाइज आजकल फ्री सेवा करता कौन है। अरे प्रदीप जरा अंदर जाकर चेक तो कर। हाँ देखता हूँ। ये क्या अंकल, इसमें तो पॉट ही नहीं है, मुझे तो लैटरिन जाना है। तो चिंता मत कर, कल अंकल पॉट का इंतजाम भी कर देंगे। सच अंकल, कल पॉट का इंतजाम भी कर देना। और आप चिंता मत करो, हम आपको कुछ पैसे भी दे देंगे। तो अपने माँ बाप से भी ऐसे ही बात करते हो तुम लोग? बूढ़े माँ बाप पे कैसे जा रहा है? अरे इनको इनके बच्चों ने ऐसे ही छोड़ दिया है, तभी तो यहाँ भटक रहे हैं। अंकल भूलना मत, कल पोर्ट का इंतजाम भी कर देना। आज हमने इनकी इतनी खींच दी, कल ये नजर नहीं आएंगे।
देख लिया इन बदतमीज लड़कों को, इनको क्या सुधारोगे यार? यहाँ जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। अगर मेरा बेटा ऐसा करता ना, कान के नीचे खींच के लगाता उसके। अरे छोड़ो अब इन सब बातों को, अब इन चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। चोपड़ा साहब सही कह रहे हैं, चैप्टर हमारे को यहीं क्लोज कर देना चाहिए। तेरी बंदी के चक्कर में ना सूरज निकलने से पहले आना पड़ता है। अरे वो छोड़, वो देख कितने बेशर्म है, सूर्य देवता निकले नहीं और ये टपक पड़े। ओए चल इनके मजे लेते हैं। ओबे हाँ। चल 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 इनके मजे लेते हैं। अरे अंकल आज तो दो दो केबिन। ये यूरिनल के लिए, ये लैट्रिन के लिए। वाह अंकल मजा आ गया, लेकिन ये बताओ कहीं इसमें कैमरा वगैरह तो नहीं फिट कर रखा? अरे नहीं, तुम अच्छे से चेक कर सकते हो, करो। अरे क्या अंकल ये तो खाली है, इसमें लैट्रिन पॉट तो है ही नहीं। अरे बेटा ये रोबोटिक है, आप जैसा हुक्म करोगे ये वैसे करेगा। वाओ फैंटास्टिक न्यू टेक्नोलॉजी। अरे अंकल मजाक तो नहीं कर रहे, सचमुच रोबोटिक है? हाँ हाँ ये बात भी कर सकता है। अच्छा बात भी? चेक कर लो। वो कैसे? कुछ नहीं होगा, चेक तो करो। अरे अरे चेक करो। डर क्यों रहे हो? अरे हम डरते नहीं है, आप हमें डेमो दिखाओ। अच्छी बात है, ठीक है दिखाओ। रोबोट बच्चे डेमो देखना चाहते हैं, इनको डेमो दिखाओ। देखो बेटा। अच्छी बात है, ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। आप इस पर बैठकर लैट्रिन कर सकते हो। ये तो किसी लेडी के हाथ है। अरे ये क्या मजाक है, ये आवाज तो मेरी माँ की है। क्या आपने कभी अपनी माँ के ऊपर सुसु पॉटी नहीं किया? ये हाथ भी मेरी माँ के है। माँ तुम यहाँ कैसे? लो करो ना, जब तुम छोटे थे ना पता नहीं कितनी बार इस टॉयलेट के ऊपर तुमने सुसु पॉटी की है, तो फिर आज कैसी शर्म? मुझे माफ कर दीजिए माँ। गंदा करो, बड़ों का अपमान करो, ऐसी परवरिश तो नहीं दी थी ना मैंने तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। हमें माफ कर दो आंटी, माफ कर। माफी चाहिए तुम लोगों को, माफी चाहिए ना, तो मुझसे क्यों मांगते हो, इनसे मांगो। हमें माफ कर दीजिए अंकल। आज से मिशन अवेयरनेस प्रोग्राम तुम चलोगे, तुम संभालोगे इसको। ठीक है, लेकिन माँ ये बताओ कि आप यहाँ कैसे? जब तुम इनका अपमान कर रहे थे ना, हम यही पार्क में पास में बैठे। सुनीता देखो तेरा ही बेटा है ना? हाँ मेरा बेटा है। ओए बूढ़े माँ बाप पे कैसे जा रहा है? तेरा बेटा इतना बदतमीज तो नहीं था? कल बोला मत, कल कोर्ट का इंतजाम भी कर देना। क्या करें बच्चों की संगत ऐसी है, कल ये नजर नहीं आएंगे। अरे छोड़ो अब इन सब बातों को, अब इन चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। चोपड़ा साहब सही कह रहे हैं, चैप्टर हमारे को यहीं क्लोज कर देना चाहिए। अभी आप लोगों से जो लड़के बदतमीजी से बात कर रहे थे, उनमें से एक मेरा लड़का भी था प्रदीप, उसकी ओर से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन जी, इसमें ना आपकी गलती है ना आपके बच्चे की, शायद हमारा मिशन ही गलत है। नहीं आपका मिशन बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहा है, हम सब भी आपके मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप हमें अलाउ करें तो। बिल्कुल, अगर आप हमारा साथ दें तो हम 100% कामयाब होंगे। क्या कहते हो साथियों? बिल्कुल तैयार हैं। हम सब तैयार हैं। माँ अंकल आज से आप सबका मिशन अवेयरनेस का सपना हम पूरा करेंगे, हम पूरा करेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। ये हमारा प्रयास है जनता को जागरूक करने का, समाज में सफाई फैलाने का। हमारा प्रयास सफल करें, और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया इस फिल्म को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एक्शन।